सब्सक्राइब करिए टेक्निकल झाजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे 1G, 2G, 3G, 4G ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, वैसे ही 5G भी मोबाइल नेटवर्क में एक टेक्नोलॉजी है। हर 10 साल में मोबाइल नेटवर्क में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। दोस्तों 5G या 5वीं जनरेशन एक टेक्नोलॉजी है जो आज से करीब 2 साल बाद फास्ट मोबाइल ब्रांडेड नेटवर्क पर काम करेगी। 5G नेटवर्क 20 Gbps की स्पीड देगी। अभी 4G नेटवर्क 1 Gbps की ही स्पीड दे सकती है। यह समझ लीजिए कि एक इस तरह से आप अपनी पॉकेट में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लेकर चलेंगे। 5G यूजर 3 घंटे की HD मूवी 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि अभी 4G में इस काम के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। वीडियो बफरिंग का टाइम भी लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफर बिजली की रफ्तार से होगा। 5G नेटवर्क डेटा को 1 मिलीसेकंड से भी कम में डिलीवर कर देंगे, जबकि अभी 4G नेटवर्क इसमें 70 मिलीसेकंड लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी बनने का रास्ता खुलेगा। इससे M2M, IoT, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज, सेल्फ ड्राइविंग कार, रिमोट कंट्रोल सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी जैसे सर्विसेज का विस्तार होगा। 5G से लोग अपने घर को इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर एंड सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस करके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घर से सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। 5G नेटवर्क 3400 MHz, 3500 MHz एंड 3600 MHz बैंड पर काम करते हैं। 3500 MHz बैंड को आदर्श माना जाता है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 5G में अहम भूमिका निभाएगा। इन्हें मिलीमीटर वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ 1 से लेकर 10 मिलीमीटर ही होती है। मिलीमीटर तरंगे 30 से 300 GHz फ्रीक्वेंसीज पर काम करती है। अभी तक इस तरंगों को सैटेलाइट नेटवर्क्स और रेडार सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि 2019 तक बड़े स्केल पर 5G का ट्रायल शुरू हो जाएगा। 5G की कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। रिसर्च का कहना है कि 5G फ्रीक्वेंसीज को बिल्डिंग ब्लॉक कर सकती है। लंबी दूरी पर इनका घनत्व भी कम हो जाता है, जिससे कवरेज कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर भविष्य में 5G के लिए मिलीमीटर वेव इस्तेमाल होती है तो कवरेज का इशू हो सकता है, क्योंकि ऐसी तरंगें इमारतों को भेद नहीं पाती, पेड़ पौधे और बारिश से भी ये कमजोर हो जाएंगी। दोस्तों मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको 5G के बारे में बताया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल ट्यूटोरियल दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आर्किटेक्चर, इसका कॉल फ्लो, इसका बाकी की डिटेल्स दूं इसका, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, तो मैं उन पे भी ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं।